ये एक थ्रिलर फिल्म है, सस्पेंस से भरपूर है और फिल्म का टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट किलर। ये एक इमोशनलेस पर्सन है। हर आदमी के पीछे एक दूसरा आदमी, एक दूसरा अक्स होता है। तो इसमें इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इसमें इतने सस्पेंस से भरपूर ये फिल्म है कि ऑडियंस को हर एक पल के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा। तो रोमांस से भरपूर है। नेचुरली मेरे मैक्सिमम स्टार कास्ट नए हैं, तो मैं अपनी पब्लिक को बुलाऊं कैसे, ऑडियंस को बुलाऊं कैसे, तो रोमांस से हमने भरा हुआ है। जब फिल्म रोमांस के हिसाब से लोग आएंगे देखने के लिए तो उसके साथ साथ एक कंटेंट को देख करके जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि जनता इस फिल्म को बहुत पसंद करेगी। जी हमने काफ़ी ऑडिशंस किए मुंबई के, मुंबई में, मुंबई से बाहर, हर जगह पे हमने ऑडिशंस कर करके उसमें से कुछ सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद में हमने उनका वर्कशॉप शुरू किया। वर्कशॉप शुरू करने के बाद में कुछ छांट करके निकले हैं कलाकार अभी, जिसमें संकेत कुमार हमारे टाइटल रोल के लिए हमने उनको चुना और हमारी टीम ने बैठ करके पूरा डिसीजन लिया कि नई कॉन्ट्रैक्ट किलर के लिए इनका एटीट्यूड, इनका जो स्टाइल है वो आजकल के यंगस्टर्स को बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ जय के लिए भी, जय कैरेक्टर है हमारा, एक बिजनेसमैन कैरेक्टर है, वो भी यंग बिजनेसमैन है। तो इस तरह के कुछ नए लोगों को हमने चुन करके ऑडिशंस के थ्रू हमने फाइनल किया। शूटिंग मेरी 10 अक्टूबर से शुरू होगी, अलीबाग मुंबई के पास ही है, अलीबाग मांडवा में। और कुछ इसके गाने के पोर्शंस जो है वो हम लोग मॉरिशस में करते हैं। यंगस्टर सारे जानते हैं मिस्टर केशव को, बहुत अच्छे सिंगर हैं, हर तरह के गाने उन्होंने गाए हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया उनकी आवाज़ को। और जो जो गाने हमारे इस फिल्म में हैं, केशव से बढ़िया आई थिंक दूसरा हमें कोई सिंगर समझ में नहीं आया। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से उसको गाने को गा रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है, सब लोग मज़ा ले रहे हैं उस उनकी आवाज़ का। और हमारी टीम के लगभग सभी मेंबर बहुत खुश हैं कि इतना अच्छा गाना एकदम ज़ुबान पे चढ़ जाएगा लोगों के। आई एम रियली हैप्पी। आज मैंने बताया कि संकेत कुमार असल में मेरा बेटा है। ऐसा नहीं है कि बेटा है इसलिए वो हीरो है। हमने बहुत सारे ऑडिशंस किए। संकेत को सबसे पहले मैंने इस रूप में लिया कि तुम मेरे साथ में डायरेक्शन टीम में आओ, टेक्निकल चीज़ें सीखो। टेक्निकल चीज़ों को सिखाने के लिए मैंने इस फिल्म में उसको इनवाइट किया और मैं अपने साथ में स्क्रिप्ट, नरेशन और ये सब मैं करता रहा। और संकेत भी मेरे साथ कंटिन्यू लोगों को समझाता रहा कि स्क्रिप्ट की डिमांड ये है, ये इसका एटीट्यूड ये है। वो लोगों को बताते बताते वो एटीट्यूड संकेत के अंदर आ गया। और संकेत के अंदर जब वो एटीट्यूड आया तो हमने एक क्या स्टाइल होना चाहिए वो शूट करके लोगों को भेजना शुरू किया कि देखो ऐसा चाहिए। फिर हमारे प्रशांत गिरी प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो चीज़ आप संकेत का वीडियो दिखा रहे हैं लोगों को और लोगों से चाह रहे हैं कि वो ये चीज़ करें, जो चीज़ घर में है आप उस चीज़ को बाहर ढूंढने के लिए क्यों जा रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये तो पॉसिबल है, क्योंकि संकेत आया ही इसलिए है इंडस्ट्री में कि आगे हम उनको लॉन्च करना चाह रहे थे। बट वो कहते ना हमारी इंडस्ट्री में लक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी उनके अंदर जोश भरा हो, जो भी हो, 70-80% लक फैक्टर ही काम करता है। और माता जी की कृपा से संकेत के लिए लक फैक्टर ने काम किया और सभी टीम के लोगों ने मिल करके डिसीजन लिया कि नहीं ये कैरेक्टर संकेत ही कर सकता है। तो इस तरह से संकेत को फाइनल किया गया। हाँ सर, आपने तो बड़े कई सारे बड़े स्टार्स के साथ काम किया है जी,
हर आर्टिस्ट कुछ ना कुछ यूनिक होता है, अलग होता है कई मामलों में। संकेत, आपको संकेत की सबसे अच्छी प्रतिभा अगर आपको कुछ नजर आई हो तो आप जरा हमें शेयर करें। संकेत की प्रतिभा में ये नज़र आया कि वो जब उससे डायलॉग बोलना शुरू किया और जब एक्ट किया उसको, तो ज़रा भी 1% भी नहीं लगा कि वो एक्टिंग कर रहा है। वो ऐसा लग रहा था जैसे रियल घटनाएं उसके साथ जो घटी है वो पेश कर रहा है वो। तो जो रियल लगे, आज का सिनेमा अलग है। आज का सिनेमा जो है वो मेलोडी और पेड़ के पीछे भागने वाला हीरो और वो उस तरह का नहीं है। आज एकदम ओरिजिनल चीज़ें चलती है। तो संकेत के एक्टिंग में वही चीज़ नज़र आई कि एकदम रॉ, एकदम ओरिजिनल उस कैरेक्टर के ऊपर इतना फिट हो गया कि हमने उसी को सिलेक्ट किया। ये बदलाव दूसरों के अलावा संकेत में वो चीज़ जो नज़र आई, हमने संकेत को हमारी टीम से संजय जी ने बताया, ये तारीफ के तौर पर बताया कि संकेत डांस एकदम गोविंदा की तरह करता है। आपने भी देखा होगा, तो आप जरा बताएं गोविंदा की तरह, मिथुन की तरह, किसी और की तरह। एक्चुअली मैं हमारी फैमिली में जितने भी फंक्शंस होते थे तो गोविंदा का फैन एक्चुअली मैं रहा हूँ, और मैं गोविंदा के डांस करता था और मेरे डांस देखते देखते संकेत बड़ा हुआ है और संकेत को भी अच्छा लगने लगा। आज का हनी सिंह स्टाइल और स्टाइलिश डांस देखते देखते उसने मुझे भी कॉपी करना शुरू किया। फिर एक वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ था, पक चिक पक राजा बाबू, आप लोग फेसबुक में देखेंगे। तो संकेत ने हमारी बिल्डिंग के सोसाइटी के इसमें परफॉर्म किया था और मुझे बोला, नहीं पापा आप मेरे साथ डांस कीजिए। तो हम दोनों ने उस गाने पे परफॉर्म किया था, तो लोगों ने संकेत को नया गोविंदा कहना शुरू कर दिया। अच्छा, बेटा जब कैमरे के सामने होता है जी, जब वो रोमांस करता है जी या बाकी सीन्स करता है जी, तो एक बाप भले ही डायरेक्टर की कैप पहन के बैठा हो जी, कितना कंफर्टेबल होता है? मैं तो पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। मुझे मेरा बेटा या मेरा कोई ऐसा सगा नज़र नहीं आता वहाँ पे मेरा किरदार होता है, बस मैं उस किरदार को देखता हूँ। कभी कुछ गलती की चिल्लाया उल्लाया? जैसे लोग दूसरे लोग से मेरा बिहेवियर रहता है वैसे ही संकेत से भी रहेगा। ऑडियंस से कहना है बस ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद रहे। संकेत को जिस तरह लक फैक्टर ने ये फिल्म मिली है, प्रशांत जी ने पसंद किया, सभी लोगों ने पसंद किया और सभी लोग इस फिल्म को अच्छी तरीके से बनाने में सभी लोगों का मदद है। मेरी पत्नी आशा, मेरी सिस्टर संगीता तिवारी, सुनीता तिवारी, ये सभी लोग मिल करके अपने जितने लाइफ के एफर्ट्स हैं उस फिल्म को अच्छा बनाने में लगा रहे। मैं उन सब लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी, पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ, सब दर्शकों को, और फर्स्टली आई वुड लाइक टू से थैंक्स मिस्टर प्रशांत गिरी हु बिलीविंग इन माय सन संकेत कुमार, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टफ रोल। कॉन्ट्रैक्ट किलर इज़ अ वेरी टफ एंड स्ट्रॉन्ग मैच्योर रोल एंड माय सन इज़ गोइंग ऑन ओनली 18 ईयर्स, दैट्स व्हाई आई होप संकेत विल गिव हिज ट्रायल लेवल बेस्ट और प्लीज़ कीप ब्लेसिंग विथ हिम। ओके, थैंक यू। संकेत घर पे कैसा होता है? संकेत घर पे भी वैसे ही एटीट्यूड में होता है। मैं उसे कहती हूँ कि इस एटीट्यूड को सही जगह पे यूज़ करो, मेरे सामने यूज़ मत करो। जो किरदार है उसका पर देखा वो, और जो घर का संकेत है इसमें कोई एक चीज़ जो बिल्कुल मैच नहीं करती है, क्या है वो? कॉन्ट्रैक्ट किलर जो है वो काफ़ी एटीट्यूड वाला और इमोशनल जो बॉय है वो है, और ये काफ़ी हद तक मैच करती है। संकेत भी काफ़ी इमोशनल है और एटीट्यूड से भरा हुआ है, बट इमोशनल भी बहुत है वो, जैसा कि इस फिल्म में भी है वो। एनी डाउट? ओह, थैंक यू सो मच। हाँ, प्लीज़ कीप ब्लेसिंग विथ हिम। ओके, और ये जो फिल्म के डायरेक्टर हैं दीपक तिवारी जी, उनकी मैं सिस्टर हूँ, और संकेत कुमार जो इस फिल्म का हीरो है, जो इस फिल्म से शुरुआत करने जा रहा है, मैं वो मेरा भतीजा है, और मैं बहुत बहुत गुड विशेस देना चाहती हूँ इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी हैं, प्रोड्यूसर जी हैं प्रशांत गिरी जी और डायरेक्टर है दीपक तिवारी जी को, मेरा बहुत बहुत गुड विशेस इस फिल्म के लिए। लगता था भतीजा जब छोटा रहा होगा कि एक दिन हीरो बनेगा, या कभी मजाक में कहा भी होगा?
हम लोग हमेशा मस्ती करते थे, तू तो एकदम तेरा जो एटीट्यूड है, तेरा जो रहन सहन है ना एकदम हीरो वाला, ये तू तो हीरो ही बनने वाला है, लेकिन आज देखिए वो बात सच होने जा रही है। तभी इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन अब धीरे 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 जब उसका एटीट्यूड, उसके रहन सहन से हम लोगों को लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो करेगा, और हर बात में थोड़ा सा एक्टिंग ये वो सब चीज़ें उसकी होती रहती थी, तो ये बात आज सच होने जा रही है। थैंक यू। इस मूवी में मैं भी सेकेंड लीड का काम कर रहा हूँ, और कार्तिक का है, कार्तिक का नाम है उसमें। बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है ये। जो हमारे प्रोड्यूसर सर हैं, मेरे डायरेक्टर सर हैं दीपक तिवारी, इसमें मतलब कहाँ बहुत दूर दूर से लोग सब लोग आए ऑडिशन दिए, और मैंने भी ऑडिशन दिया इस चीज़ के लिए। बहुत ही मतलब ऑडिशन देने के बाद ही, बहुत टफ ऑडिशन था ये मेरे लिए, बट मैंने दिया और मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। इसकी जो कहानी है बिल्कुल इनोसेंट कहानी है, क्योंकि कॉन्टर किलर ये किलर की कहानी सर बिल्कुल इनोसेंट है, क्योंकि किलर ऐसा है ना कि किलर मतलब उसको किसी की जैसे भी, चाहे आप हुई, चाहे आप हुए, चाहे कोई भी, कोई हमदर्दी उसके लिए किसी के दिल में नहीं है, वो ऐसा कॉन्टर किलर है। कॉन्टर किलर बिल्कुल सर, उसको सस्पेंस और थोड़ा उसमें रोमांटिक भी बहुत अच्छी है। सर वही तो एक मसाला होता है जी, इसमें एक मसाला होते हैं। अच्छा किलर कौन है उसमें? सर किलर अभी देखने के बाद मालूम पड़ेगा आपको, किलर मेन किलर कौन है। चलिए सर, अब जब तक आप संकेत है कौन है सर, वो तो आप देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। ऐसे ही सर, वो ही तो मज़ा है सर, आप देखिए फिर मालूम पड़ेगा। तो शूटिंग के बारे में बताइए, मज़ा आया था कुछ, लोगों कुछ मस्ती हवाला किया था आप लोगों ने सेट पे, कुछ जरा अगर किस्सा कुछ ऐसा हो जो आज तक आपने ना बताया हो वो जरा हमें बताइए संतोष जी की डिमांड है। सर ऐसा जो भी है, हम लोग क्या धमाल किया ऑडिशन में, जो भी हुआ ऑडिशन हम लोग का हुआ, वो ऑडिशन मैंने आपको बताया अभी से पहले भी कि जो ऑडिशन हुआ वो बहुत ही टफ ऑडिशन था हमारे लिए, बट उसमें भी हमने किया उस चीज़ को डायरेक्टर सर के सामने किया, दीपक तिवारी सर से हमारे इसके लिए। सर और कुछ? थैंक यू। हो रहा है अपने कदम रख रहा है, पहले तो आप अपने आशीर्वाद दीजिए। सर मेरा पूरा आशीर्वाद है, और बहुत टैलेंटेड है, स्पेशली मैं उस बच्चे की तो तारीफ करूंगा ही, बच्चा तो अभी अभी नया आ रहा है। देखो वो कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की, तो वही वाली बात है, बंद मुट्ठी है, बहुत अच्छा करेगा वो, मुझे विश्वास है, क्योंकि उसको जो करवा रहा है, एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीपक तिवारी हु इज़ एन डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, ही इज़ वंडरफुल। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मैं उसके बारे में इतना क्यों जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, तो आज कम से कम नहीं तो 19-20 साल से दीपक मेरे साथ काम कर रहा है, एंड दीपक ने मेरे साथ ना सही शुरुआत कह तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन दीपक ने बहुत कुछ मेरे साथ काम किया है, और बहुत पहले से हम लोग 20-25 साल हो गए आज उसे मेरे साथ असिस्ट करा था उसने, और अब उसे इतना बड़ी और इतनी अच्छी फिल्म बना रहा है, मैं उसे बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है, या वो बच्चे को लॉन्च कर रहा है जिस बच्चे का फ्यूचर नेचुरली ब्राइट है, क्योंकि मुझे बच्चे के फ्यूचर का तो सबको पता चलेगा जब वो सामने आएगा, लेकिन उसके निर्देशक और उसके डायरेक्टर का मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, ही इज़ ए वंडरफुल टैलेंटेड बॉय, और वो बहुत अच्छा खुद भी डांसर है, एक्टर है, उसके अंदर सारी कैपेसिटीज़ है, और किस तरह लड़के से और बच्चों से काम लेना है, ही नोज़ हिज जॉब। तो मैं तो सिर्फ बधाइयाँ दूँगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि फिल्म बहुत अच्छी होगी, सबों को पसंद आएगी, और होना चाहिए, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, नया ब्लड नहीं जब तक नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ेगी इंडस्ट्री। और मैं तो बहुत बहुत एक बार फिर वेल विशेस मेरे साथ हैं उसके। थैंक यू। सर जब हम बात कर रहे थे अभी तो दीपक जी ने मुझे कहा कि हमारे गुरु जी, जब ये गुरु और शिष्य, जब ये फिल्म करने से पहले क्या शिष्य ने अपने गुरु से कुछ कंसल्ट किया कि सर ये बड़ी जिम्मेदारी है, ये मैं करने वाला हूँ, इसमें कुछ आपका गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? सर बिल्कुल हुआ, उसने मेरे से पूछा भी, उसने मेरे से बात करी, मैं इसे उस तरह से करना चाह रहा हूँ, और मैंने एक बहुत अच्छी जिस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, और उस चीज़ को मैं सबके सामने बोलना चाहूँगा कि मज़ा तब है जब गुरु रह जाए और शिष्य बहुत आगे निकल जाए, और मुझे उससे बहुत उम्मीद है, क्योंकि उसने सबसे पहले कहानी मुझे बताई
कहानी बहुत अच्छी लगी। फिर उससे पूछा कि भाई म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मैं कार्बन कॉपी निकालने में बिलीव नहीं करता हूँ कि वो मेरी कार्बन कॉपी बन के निकले, मैं नहीं चाहूँगा। वो अपना कुछ नया जब तक नहीं दिखाएगा तब तक पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि दीपक तिवारी है। आई डोंट वॉन्ट कि दीपक तिवारी तरुण माथुर की कार्बन कॉपी बने, आई वॉन्ट कि दीपक तिवारी का अपना व्यक्तित्व हो, अपना नाम हो, लोग उसे अपने नाम से अपने व्यक्तित्व जाने, और मुझे फिर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो ऐसा करने में कामयाब होगा। एंड मेरी वैल्यू उसके साथ है। ये एकदम से आउटडोर काइंड ऑफ सॉन्ग है, एनर्जेटिक सॉन्ग है, और मूवी अच्छा खासा चल रहा है। हालांकि संजय जी के लिए मैंने मेरा दूसरा गाना है एक्चुअली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट क्लियर, दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग। और प्रशांत जी और वंदना जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इट्स कमिंग आउट रियली वेल। सो अभी गाने की ही एक्चुअली रिकॉर्डिंग चल रहा था, सो इट्स अ वेरी पेपी नंबर और आई एम श्योर इट्स गोन कम अप रियली वेल। सो ऑल माई जब आपने काफ़ी बड़ा एनर्जेटिक फिल्म है, मुझे आपने गाते टाइम कितना एनर्जी होती है। डेफिनेटली वो गाना, एक गाने में ही अपना इतना दम है कि अपने आप सिंगर को बोलना नहीं पड़ता कि ये मूड ला वो मूड ला। सो इट्स कमिंग आउट रियली वेल, तो होप कि अभी अभी आप ये सब होने के बाद तो वी कीप कंटिन्यूइंग फॉर द सॉन्ग। अच्छा आपने कहा कि एक और सॉन्ग है, इसके बाद आपका इस फिल्म में आपके दो गाने हैं। नहीं नहीं मेरा एक गाना है, एक गाना। और कुछ आप अगर कहना चाहें इस कास्ट के साथ या जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस था काम करने का? बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग सब में शामिल है, द होल क्रू, सारे लोग आए गाने को देखने कि कैसा रिकॉर्ड होता है, तो वो दिखाता है कि कितना वो इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल वो होता नहीं है, गाने को जीते हैं वो सेशंस में रहते हैं, हालांकि सब लोग बिजी हैं अपने इसमें तो, बट फुल टाइम और डेडिकेशन जो है मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। पीने लगा हूँ, पीने लगा हूँ, जीने लगा हूँ, पीने लगा हूँ। सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया है जी, फिल्म कॉन्ट्रैक्ट किलर के लिए जी, गाना गाया है जी, आवाज़ में गाया गया है जी, और किस मूड का ये सॉन्ग है? फिल्म का टाइटल तो आप सबको ही पता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर। दिस इज़ द सेकेंड सॉन्ग जो अभी रिकॉर्ड हो रहा था, सिंगर है केशव कुमार, तो सेकेंड सॉन्ग इनसे रिकॉर्ड किया है, और फर्स्ट सॉन्ग जो है शारदी जी ने गाया है, और इसमें कुल मिला के 5 सॉन्ग्स हैं जिसमें अभी तक 2 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं। सर किस किस मूड के सॉन्ग्स होंगे जो 5 सॉन्ग्स हैं आपने कहा? हाँ तो एक तो रोमांटिक है, एक रैप सॉन्ग है, और 2 हैं ज़रा सेक्सुअल सॉन्ग्स। अच्छा किसने लिखे हैं इन गानों को आप जरा बताएंगे? लिरिक्स राइटर है संजय कबीर जी। अच्छा फिल्म में कई सारे संजय नजर आ रहे हैं? हाँ जी मैं संजय शर्मा म्यूजिक डायरेक्टर, कबीर जी है संजय कबीर लिरिक्स राइटर। पूछा आपने? और कौन है? भूषण पटियाला नहीं, वो उधर छुपे हुए हैं, ये अभी हमारे संजय। अच्छा वहाँ भी सब, मतलब ये सब कौन सी राशि वाले पता नहीं। एस क्या है जो डायरेक्टर हैं दीपक तिवारी जी, इनके साथ में मेरी 3rd मूवी है, 3rd मूवी है ना, तो उस फिल्म के भी गाने बहुत अच्छे थे और इस फिल्म के भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, और दीपक जी मेलोडी के दीवाने हैं, मेलोडी सॉन्ग से, और इसमें सारे गाने मेलोडी हैं। अच्छा सबसे एक और बड़ी बात है कि ये जो गाने फिल्म आए जाएंगे, इंटरनेशनल फिल्म आए जाएंगे, राइट राइट राइट, टोटली इट इज अ न्यू स्टार कास्ट मूवी है ना। या थैंक यू वेरी मच फॉर ओके। तो वेरी, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, स्मॉल स्टोरी एक्चुअली। मेरे फादर और तरुण जी काफ़ी पुराने दोस्त हैं और वो एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम करते, तो मैंने ऐसे मजाक में उनसे बोला कि अगर आपके पास कोई छोटा मोटा रोल हो तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन इट। एंड कोइंसिडेंटली तब दीपक जी से मेरी मुलाकात हुई मेरे घर पे ही, एंड उनको लगा कि उनने मुझे इस रोल के बारे में थोड़ा समझाया कि देयर इज दिस पर्सन इन द मूवी कॉल्ड जय कपूर जिसके रोल में शायद आप फिट कर सकते हैं, एंड ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टेक पार्ट इन दिस बिग बिग प्रोजेक्ट ऑफ हिज, एज वेल एज उन्होंने थोड़ा समझाया मुझे रोल के बारे में कि दिस दिस know how the role is designed around this person. He's given me this chance to try and showcase what we can do together
एंड ऑल्सो थोड़ा वर्कशॉप वगैरह के साथ थोड़ी हेल्प के साथ प्रॉब्ली होपफुली आई विल बी एबल टू गिव जस्टिस टू द रोल. सो जो बाकी आपके साथ जो आपके वेरी ऑनेस्टली संगीत से मैं आज ही मिला हूँ तो एंड इट वॉज अ वेरी गुड इंटरेक्शन अभी तक जितना भी मैं जानता हूँ. तो स्लोली स्लोली आई एम होपिंग कि सबसे मैं मिलजुल के कुछ और थोड़ा जान पाऊँगा और सबसे वी कैन डू समथिंग टुगेदर. आप गाते हो? डू यू सिंग? नो, कभी ट्राई नहीं किया मैंने. नेवर? वुड लाइक टू ट्राई? आई वुडंट माइंड. Good song. So, please go on. How about the lyrics of the song? Okay, and I've been seeing Keshav ji. Okay, let me try. Okay. Jab is okay. Can Keshav ji? Kidhar gaye? Can someone help me? Sanjay ji bhi chal gaye. दीपक जी इज देयर. नहीं दीपक, हाँ दीपक जी, अगर आपको थोड़ा याद हो कैसा उसका लिरिक्स, जरा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. जब से तुम पे मरने लगा हूँ, जीने लगा हूँ. जब से तुम पे मरने लगा हूँ, जीने लगा हूँ. माय लिप्स आर शेकिंग. आई एम वेरी फाइन. थैंक यू सो मच. सबसे ये बताइए हमें कि इस फिल्म के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट किलर के बारे में, कैसे फिल्म ये आप तक पहुंची, मतलब किरदार जी. सबसे पहले तो आप सभी को संकेत कुमार का प्यार भरा नमस्कार. एक्चुअली मैं इस फिल्म में अपने डायरेक्टर को असिस्ट करने वाला था. तो ऑडिशंस चालू हुए तो उसमें मैंने जो भी आर्टिस्ट आ रहे थे उनको मैंने बताना चालू किया कि ये रोल है कॉन्ट्रैक्ट किलर का, इसको आपको ऐसे ऐसे निभाना है. तो जिस तरह मैं बताने लगा वो धीरे धीरे वो रोल मेरे में फिट होने लग गया उल्टा. तो मतलब एक दिन ऑडिशंस ख़त्म हुए और मेरे कोरियोग्राफर है आकाश शेट्टी, उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू एक बार आ कैमरे के सामने और डायलॉग्स बोल कॉन्ट्रैक्ट किलर के. तो मैंने स्टार्ट किया, अपना पूरा रोल जो भी था बोल दिया. तो शूट हुआ, फिर डायरेक्टर जी ने देखा, दीपक तिवारी ने, बोले कि इसमें तो ये शूट कर रहा है तो दूसरे को क्यों देखेंगे. तो ऐसे करके मेरे पे ही आ गई फिल्म. संकेत, ये तो चलिए आपने बताया कि कैसे ये फिल्म शुरुआत हुई. असल में हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं शुरू से, तो आप क्या बनना चाहते थे? या अभी तो आपकी बहुत एज भी कम है, क्या बनना चाहते हैं? एक्चुअली मैं आर्टिस्ट ही बनने वाला था, पर बीच में लगा कि नहीं, आर्टिस्ट नहीं बन पाऊँगा, ऐसा मुझ में फीलिंग आ रही थी. पर भगवान के उससे मिल गया चांस मुझे. अच्छा, जब और भी हम लोगों से बात कर रहे थे, आपके फादर से बात कर रहे थे, आपकी मदर से बात कर रहे थे, आपकी मौसी जी से बात कर रहे थे, वो सब यही कह रही थी कि हम तो कहते थे कि हीरो बनेगा, हीरो बनेगा. हाँ. और वो बात सच हो गई. आपको भी सच में भरोसा था कि मेरे को हीरो ही बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे अचानक ऐसा मतलब झटका लगा हीरो बनने का. अच्छा, ये झटका कैसे लगा? किसी की फिल्म देख ली, मांझी वगैरह? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल. देन नो, जस्ट इनसाइड मी दैट. अच्छा संकेत, किसी को आइडल मानते हैं ना आप इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में? आइडल एक्चुअली मेरे डैडी इतने अच्छे आर्टिस्ट है कि उनको देख के क्या. अच्छा, डैडी जो डायरेक्टर होते हैं उन्होंने मेरे को आधा एक्टिंग सिखाया है. आपके डैडी गोविंदा का फैन है, आप किसे फैन है? जी मैं गोविंदा का भी इनके वजह से ही बना गोविंदा का फैन. रियल 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 में कौन फैन है, किसे फैन है आप? रियल में सिंगर का आर्टिस्ट था वो, यो हनी सिंह का. वो गाना वाला अभी कुछ गुनगुना दीजिए. कौन सा? नहीं नहीं नहीं, मेरी आवाज बहुत बेकार है. ऐसी बेकार लाइन कोई कोई गाना बहुत बेकार आवाज है. थोड़ा गा दे. कौन सा गाना? ब्लू आइज. ब्लू आइज का? ओके. ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, आई स्वेयर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू, क्लोसी लिप्स ओ फेट्रिक्स बेबी लग दी ए किलर, ओ ये कत्ल कर तेरा बॉम्ब फिगर. थैंक यू. कौन है किलर मूवी में?
मैं ही हूँ। अच्छा चलो, ये तो रिवील हो गया कि आप ही किलर हो। मैं दूसरे लोगों पे तोहमत लगा रहा था, आप किलर हो सबसे पूछ चुका था, मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि आप ही किलर हो। जी सर, हाँ सस्पेंस है, ओपन नहीं होगा। आगे क्या, 10 साल बाद संकेत कुमार अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, इन आंखों ने कौन से सपने देखे हैं? जी अभी मैंने सपना देखा है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं अपने एक्टिंग में, जिससे मैं एज अ बेस्ट एक्टर अवार्ड ले सकूं। अरे थैंक यू। बिल्कुल, वो तो पहले ही बोले कि माता जी की कृपा है जो तू बन चुका, मतलब तुझे चांस मिल गया आखिर। मतलब हम समझे नहीं, माता जी की मतलब? जी माता जी जय माता जी। उनसे आपने कुछ सीखा, उनका कुछ कहना चाहेंगे संगीता तिवारी के बारे में? अच्छा, बहुत ही फेमस चेहरा है इंडस्ट्री का। जी उनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा इंडस्ट्री के बारे में, आधा जानकारी तो मुझे इन्हीं से मिली है कि इंडस्ट्री में ऐसा भी कुछ होता है। आधा पापा से आधा उनसे मिल गया, अब तो जरूरत नहीं है। 100% हो गया, 50-50 हो गया। ऐसी क्या जानकारी मिली, थोड़ा सा शेयर कीजिए। मतलब इंडस्ट्रीज में कैसे क्या होता है, सब वही सब बेसिक्स चीजें जो भी थी। ठीक है, किलर जो हिंदी फिल्म है, हम यहां पे सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे थे, जरा आप अपने बारे में बेसिकली बताएं कि संगीता तिवारी का क्या योगदान है इसमें? हां, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार करती हूँ, और मैं बता दूँ कि कॉन्ट्रैक्ट किलर जो दीपक तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं और संकेत कुमार इसमें एक्ट कर रहे हैं, तो इसमें पहले तो मेरा कुछ भी योगदान नहीं था। जब मुझे पता चला कि इसमें संकेत कुमार जो मेरे भतीजे हैं वो एक्ट करने वाले हैं और लीड रोल कर रहे हैं, तो मेरा दिन प्रतिदिन इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। पहले मैं बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन आप लोग जैसे जानते हैं कि बर्थडे वाले दिन इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया, मीडिया के सामने लाया कि हाँ इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, तो धीरे धीरे लगा कि हाँ मेरा भतीजा है और मुझे इंडस्ट्री में जितना एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, उसके साथ बांट सकूं। और मैंने धीरे धीरे हर चीज़ बताने की कोशिश की, और लड़का बहुत मेहनती है, एक्टिंग भी घर में तो बहुत अच्छा कर लेता है, डांस में तो माशाल्लाह बहुत ही कोई पकड़ नहीं सकता है, तो इंडस्ट्री के होने के नाते टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। अब जब फर्स्ट डे की शूटिंग होगी तो उस दिन तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को, सब लोग रहेंगे आप लोग और देखेंगे कि ये जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जो चॉइस है इसमें किसी तरह से कोई कमी नहीं है, और मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का रोल संकेत कुमार बखूबी निभा पाएंगे। हाँ, मुझे भी अभी पता चला कि मैं इसमें एक स्पेशल सॉन्ग करने वाली हूँ, तो हम लोग का मतलब यही बातचीत हुआ है कि देखते हैं कुछ अच्छा, कोई अच्छा सा रिमिक्स लेना चाह रहे हैं, तो लेट्स सी कितना वर्कआउट होता है। और मैं रियली मुझे अच्छा लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का एक हिस्सा बन सकूँ और जितना भी अपना योगदान है थोड़ा बहुत दे सकूँ। आपके भाई साहब डायरेक्टर हैं जी, और संकेत जो भतीजा है वो फिल्म में हीरो है, आपका सॉन्ग होगा, एक मैं कहूँ कि ये परिवार ने पूरी मिलकर बनाई है फिल्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सबसे पहले मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर फिल्म के प्रोड्यूसर है प्रशांत गिरी जी, जिनके फिल्म भैया ने जो मेरे भाई हैं दीपक तिवारी उन्होंने की थी राजा विट्स रानी, और अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो उनकी तमन्ना थी कि नेक्स्ट हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो 1 शेड्यूल में कंप्लीट हो जाए और उसका बजट लिमिटेड हो, तो उन लोगों ने ऑडिशन वगैरह शुरू किया, जैसे कि अभी संकेत ने बताया आपको कि ऑडिशन लेते लेते ही प्रोड्यूसर ने ही एक्चुअली बोला कि प्रशांत गिरी जी ने कि घर में ही गोद में, लाइक उन्होंने एक कोई एग्जांपल दिया कि गोद में बच्चा और गांव में ढिंडोरा, लाइक ऐसा, तो क्यों नहीं हम इनको ही चांस दिया जाए, क्योंकि कितने सारे लोग आ रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर लड़के नहीं मिल रहे थे, तो को इंसिडेंटली या तो ये कहे कि किस्मत की बात होती है ये एक्चुअली, तो ये किस्मत संकेत कुमार का ब्राइट है और मुझे लगता है कि वो आगे भी बहुत तरक्की करेगा, इस तरह से ये फिल्म संकेत कुमार के हिस्से में आ गई। और तो फिलहाल इन दिनों मेरे इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, मेरी साई सृष्टि इवेंट्स कंपनी है, उसके थ्रू मैं बहुत सारे इवेंट्स कर रही हूँ, और
फिल्म का ऐसा है कि 3-4 फिल्में बन के रुकी हुई हैं अभी, जो सॉन्ग्स वगैरह कंप्लीट होने हैं। जैसे सॉन्ग्स कंप्लीट हो जाएंगे फिल्म आपके सामने आ जाएगी। राधे रंगीला मेरे ख्याल से अभी 1-2 महीने में रिलीज होने वाली है। ओके, यू आर अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अनारा गुप्ता, सुनने में आ रहा बिग बॉस 12 में आने जा रही है, उसको लेके आप एक्साइटेड? बिकॉज नारा शी इज़ माई वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। अगर वो बिग बॉस में आती है तो मैं तो उसको रोज़ देखने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ सलमान खान की, इसीलिए मैं बिग बॉस देखती हूँ। और जब नारा आएगी, वो मेरी फ्रेंड है, तो डेफिनेटली एक भी मिस नहीं करने वाली। तो कुछ उन्होंने बताया कि नहीं कि बिग बॉस में जाने वाली है कुछ? मैं आपको क्यों बताऊँगी, अगर बताया भी है तो ये सीक्रेट है। किलर के सॉन्ग रिकॉर्ड किए गए हैं, पर आप बताना चाहते हैं पाप के जो भी तरह दीपक जी से भेंट कर रहे हैं? हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि दीपक जी की फिल्म की शुरुआत हो रही है, और जो गाना मैंने सुना वो बड़ा सुनने का मौका मिलता है। लेकिन अब थोड़ा सीरियस का एक नया रूप मैं चाह रहा था कि इनका एक नया रूप एक फिल्मों में आए। लोगों ने इनको एक नए कॉमेडी और इस अंदाज में काफ़ी पसंद किया है, लेकिन एक माफिया बिल्डर का कैरेक्टर है, जो अगर किसी को मारना होता है तो श्राद्ध में जो उच्चारण होते हैं पंडितों के, उस श्राद्ध के श्लोक पढ़ना शुरू करता है, उसके बाद में उस सामने वाले का वो ठिकाना लगाते हैं। तो इस तरह का एक डिफरेंट, तो हाँ, एक अलग एक्साइटमेंट। तो आप हमेशा ही कॉमेडी में नजर आया ज्यादा करके, आप साइलेंट कभी भी आपने किरदार प्ले नहीं किया, तो ये आपके लिए कितना मुश्किल है? नहीं, कितना मुश्किल नहीं, ऐसी एक दो फिल्में मैं कर चुका हूँ। एक पिक्चर है फ्लेम, उसमें मैं एकदम कतई खतरनाक किस्म का बाबा का रोल किया था। एक और फिल्म आई थी वाहताज, उसमें भी मैं विलेन था। तो वो रास्ता तो पता है, लेकिन कोई किरदार नया होता है तो उसमें मज़ा ही आता है, तैयारी अपनी करनी ही पड़ती है। तो इसके लिए कुछ तैयारी खास जो आपने सोची थी? अब इनके, क्योंकि मैं अभी कल ही लौटा हूँ देहरादून से, और कल सुबह फिर वापस दिल्ली जा रहा हूँ, तो वापस मैं जब आऊँगा उसके साथ, जब दीपक जी के साथ शुरुआत होगी, क्योंकि 2-3 सिटिंग चाहिए होती हैं कोई भी रोल आप मन से अगर कर रहे हो तो, और मन से नहीं कर रहे हो तो फिर ओपन एक्टिंग। अच्छा, इनका बेटा लॉन्च हो रहा है? जी जी जी, इनका बेटा लॉन्च हो रहा है। हाँ, ये खुशी की बात है कि देखिए, जनरली फिल्मी घरानों से तो लॉन्चिंग होना आसान सी बात होती है, लेकिन एक ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके कोई आदमी राइज करता, आगे बढ़ता है, और उसके बाद अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, तो वो उसमें धन के अलावा मानवीय भावनाएं ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि मास पूरे भारत में मध्यम वर्ग का ज़्यादा है, तो वो दुआएं, वो ब्लेसिंग्स भी काम आती हैं। और उसके लिए मैं उनको और उनके पुत्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और कि इस तरह से एक नया परिवार का बच्चा आ रहा है फिल्मों में, तो वो जाहिर। ये फिल्म कॉन्ट्रैक्ट किलर, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा खासकर आपके लिए, क्योंकि आप कोई बात सीरियस भी कहते हैं तो सुन के हमें हंसी आती है? अभी तो फुल सीरियस रहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे सुन के भी हंसी आई, देखिए। तो ये चैलेंज आपके लिए भी होगा? नहीं, वो तो डेफिनेटली क्या होता है कि जब सच में आप कोई किरदार करते हैं ना, सच में जब आप उस रोल में आप जब जाते हैं, तो वो एक अलग जीवन जीते हैं आप। हम कलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम बार बार अलग अलग किरदार जीते हैं, तो ये कई योनियाँ तो हमारी यहीं पार हो जाती हैं तरह तरह, क्योंकि अब वो सच्चाई से करेंगे तो ही दर्शकों को वो बात समझ में आएगी, क्योंकि एक्टिंग क्या सिंपल सा फंडा ये है कि दिल की बात दिल से कही जाती है तो जाके दिल तक पहुंचती है। चाहते हैं आप कॉन्टैक्ट किलर की पूरी टीम को जी, आप सबको भी, आप गाना जो उसमें रिकॉर्ड कर रहे थे, आप जो कि गा रहे थे साहब, बताना चाहते हैं आपको कितना मजा आया सबसे पहले ये तो बताइए हमें। देखिए, जब तक हम मजा नहीं लेंगे सिचुएशन का तो हम गाना लिख नहीं सकते। अच्छा, तो बराबर हमने मज़ा लिया और उस फील्ड में गए। जो डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, जो दीपक तिवारी हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, वो खुद एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। वो खुद एक बहुत अच्छे, उनका म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है, वो एक एक्टिंग टीचर हैं, एक डांस टीचर हैं, तो उन्होंने जैसा मुझे डायरेक्ट किया और जो उन्होंने चाहा, वो मेरे ख्याल से मैंने देने की पूरी कोशिश की है, और शायद अच्छा लगेगा सबको, पब्लिक को भी। थैंक यू। आफरीन जी, आफरीन। चलिए शुरू करें जी। फिल्म के बारे में पूछेंगे? मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहती हूँ बहुत सारी, और सारे मीडियाज़ को बधाई देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी
स्टोरी है और मैं भी इसमें एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और मेरा ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट किलर आदित नहीं है? नो, मैं ऐसी दिखती हूँ क्या? संगीत जी ऐसे दिखते हैं? नहीं नहीं, ऐसे दिखते नहीं, लेकिन उनका कैरेक्टर अलग है और मेरा अलग। हम लोग देखते हैं कि लड़कियां जो है ना, दिखने में कुछ और होती है, कर कुछ और होती है। ओह माय गॉड, वैसे तो अभी दीप बता चुके हैं हमारे फिल्म के हीरो संकेत जी। यस, वही आपको मर्डर करने वाले हैं। यस, शायद। और फिल्म के डायरेक्टर दीपक जी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच दीपक जी, जो मुझे इतना अच्छा रोल दिया उन्होंने, और मैं उसे बेस्ट से बेस्ट करना चाहूँगी। रियल लाइफ में किसी का किलर करना है? कॉन्ट्रैक्ट किलर? नो नो, थैंक यू। संकेत जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर जो फिल्म है, इसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इसके सभी कलाकार और इससे जुड़ी हुई पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। फिल्म बहुत चले, बहुत सुपरहिट हुए और पूरे दुनिया में नाम कमाए, यही मेरी शुभकामनाएं। लव यू, लव यू ऑल, थैंक यू।